हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम जेबी सेबी के बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं और एक ये नई वीडियो के साथ में हूँ, और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन इज़ रॉन्ग फॉर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, ये सारी डेफिनेशन देखेंगे तो सारी ही सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा नन। कई बार आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए नन ऑफ दीज भी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इकॉनमी द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन इंटरफेयर होना चाहिए, या इंटरफेस नहीं, इंटरफेयर इन इकोनॉमिक डिसीजन इज कॉल्ड एज। ये होती है लेजेक्स फेयर इकोनॉमी, जिसमें कि गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है, किस तरह से आपने कितना प्रोडक्शन करना है वो सब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डिमांड कर्व क्वान्टिटी एंड प्राइसेज आर डैश रिलेटेड। तो ये कैसे रिलेटेड होती है? तो ये इन्वर्सली रिलेटेड होती है, किससे? क्वान्टिटी और प्राइसेज से। इक्विलिब्रियम प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? मार्केट क्लियरिंग प्राइस होती है, ऐसी प्राइस जिस पे कि कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता और माल बेच देते हैं। इन इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज बाय कौन रिलीज करता है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आपका महंगाई भत्ता वगैरह लगता है वो सब सीपीआई पे डिपेंड करता है। तो इसमें ये विच वन इज़ रॉन्ग ऑप्शन? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऐसा नहीं करती, लेबर मिनिस्ट्री, सॉरी लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर जो है इसको सीपीआई को तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या कहता है? मार्केट डिमांड कर्व फॉलो द डैश। तो मार्केट डिमांड कर्व क्या फॉलो करता है? लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करता है। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ISLM कर्व उससे रिलेटेड है। ये ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम डिनोट्स डैश विच वन इज नॉट टू बी देयर ऑन इक्विलिब्रियम। तो इसका सी आंसर है, प्राइसेस विल फॉल। तो ऐसा नहीं होता है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बुक्स क्लियर हो जाती है, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाती हैं, ठीक है। जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही कंजम्पशन हो जाता है। मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग, विच वन इज ऑड वन। तो डी वाला गलत है, बाकी आंसर सही है कि मनी क्या चीज़ है? एक मेजर ऑफ वैल्यू है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और एक स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम है। पैसा हम क्यों रखते हैं अपने पास? ताकि हम कुछ अगर हमने खरीदना है तो वो खरीद सकें और हमारे आगे जीवन में काम आ सके। इंडिया विच इज़ अ ऑफिशियल इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज फॉर पॉलिसी डिसीजंस। तो ये है आपका सी वाला, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये क्या होता है? ऑफिशियल इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जो कि बताता है कि इतना इन्फ्लेशन हो गया है। इन्फ्लेशन समझते हैं सब फ्रेंड्स क्या होता है? कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, तो वो इन्फ्लेशन कहलाती है, ठीक है। हिंदी अगर आप मीनिंग देखेंगे तो वही होता है, महंगाई को बोलते हैं, प्राइसेस जितनी फ्लक्चुएट होती है। जैसे कि हमारे दादाजी बोलते थे कि 1 रुपये में इतना सामान आ जाता था, एंड नाउ 1 रुपये में एक टॉफी भी आती है सिर्फ। इंडाइसेस फॉर द ग्रुप एंड फ्यूल ग्रुप विल बी अनाउंस बाय। तो ये वीकली होता है, आपको जो हिल फ्यूल वगैरह मिलता है तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ अ मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेज ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी। तो ये होता है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेज ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, नैरो मनी इज इंडिकेटेड बाय। नैरो मनी कहाँ कौन इंडिकेट करता है? M1 इंडिकेट करता है। कैलकुलेट ब्रॉड मनी, देखो ब्रॉड मनी M3 बोलते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन वाला आ गया तो ये मैं बाद में आपको बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर पेमेंट्स विल शिफ्ट फ्रॉम द IS कर्व टू द राइट, ठीक है। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करती है, ट्रांसफर पेमेंट्स करती है, तो वो राइट की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। लोअर द इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, द LM कर्व विल बी स्टीपर। रिमेंबर, हाइयर द राइज इन द इंटरेस्ट रेट, स्टीपर द LM कर्व। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड प्रेफरेंस मनी डिमांड फंक्शन चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट इज हाई, IM कर्व विल बी फ्लैट और लेस स्टीप। 17th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इफ इन मार्केट मनी सप्लाई इंक्रीज एंड इंटरेस्ट रेट इज डाउन, द LM कर्व विल बी कैसा होगा? शिफ्ट डाउन टू द राइट। रिमेंबर, इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, LM कर्व शिफ्ट अबव टू एंड टू द लेफ्ट, सेम केस अप्लाई टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ये इसका एक नोट है तो नोट कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन देखेंगे, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ पे, किस चीज़ पे बेस्ड है ये? इसका बी आंसर सही है, इंटरेस्ट रेट फंक्शंस जो होता है तो उस पर डिपेंड करता है।
ISLM curve are relates which of the two variables, क्या टू वेरिएबल्स पे रिलेट करता है, तो ये है इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इन विच स्टेज आइडियल वर्कर आर कम फॉरवर्ड टू वर्क ऑन लो वेजेस, तो ये रिकवरी फेज में होता है। देखो चार फेजेस होती हैं, तो उनमें से रिकवरी फेज में ऐसा होगा कि आइडियल मतलब जिनको कि कोई काम धंधा नहीं है, तो उस तरह के वर्कर्स जो है लो वेजेस पे तैयार हो जाते हैं काम करने को। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो ये है 3.5%। इन कैपिटल मार्केट द स्क्रीन बेस्ड, एक मिनट रुकिएगा, इनका कैपिटल मार्केट द स्क्रीन बेस्ड सिस्टम रिप्लेस्ड बाय ओपन क्राई सिस्टम। स्क्रीन पे सिस्टम कुछ होगा तो वो ओपन क्राई सिस्टम से रिप्लेस्ड हो गया है। इन कैपिटल मार्केट द अस्टवाइल बदला सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय, देखो बदला सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज बार्टर सिस्टम था, तो वो किससे हो गया, वो ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर से रिलेट हो गया है, ठीक है। एज पर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ मेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट अप टू द एज ऑफ, कितनी उम्र तक कहा गया है, तो ये है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन दी जाएगी गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में। डेमोग्राफिक एडवांटेज इज कॉल्ड एज डिविडेंड, डेमोग्राफिक एडवांटेज को क्या बोलते हैं, डिविडेंड भी बोलते हैं। जैसे FD के अगेंस्ट आपके इंटरेस्ट मिलता है, तो ऐसे ही क्या होता है आपको बॉन्ड्स वगैरह के, सॉरी शेयर्स के केस में डिविडेंड मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस डैश पॉलिसी फॉर रेजिंग इंटरेस्ट रेट टू कॉम्बेट इन्फ्लेशन, क्या पॉलिसी कहलाएगी ये, तो ये कहलाएगी कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी। फ्रेंड्स जस्ट अ मोमेंट, ये स्लाइड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है।